चलिए आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा पश्चिमी घाट। ठीक है, देखिए हमने उत्तर भारत के अपने पर्वत पढ़ लिए। उत्तर भारत में हमने जम्मू कश्मीर के, लेह लद्दाख के, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पर्वत पढ़ लिए। हमने नेपाल के पर्वत पढ़ लिए, सिक्किम के पढ़ लिए। जिस प्रकार से हमारे हिमालय का विभाजन हुआ था, क्षैतिज विभाजन और लंबवत विभाजन, क्षैतिज और लंबवत। क्षैतिज में आपका आएगा जैसे पंजाब हिमालय, कुमाऊ हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। लंबवत विभाजन में आपका आएगा जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, पीरपांचाल, धौलाधार और शिवालिक। ठीक है, शिवालिक को दक्षिणी हिमालय नाम से भी जाना जाता है। तो ये पर्वत हमने देख लिया। अराकान योमा का भी हमने देख लिया कि अराकान योमा एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो इसका उभार भी है और उसके बाद समुद्र के नीचे भी विस्तार है, और जहां समुद्र के ऊपर निकल गई है उसी को हमने अंडमान निकोबार कह दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे दक्षिण भारत के पर्वत। दक्षिण भारत के पर्वत को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, अच्छे से पढ़ने के बाद फिर हम आएंगे भारत के प्रमुख पठारी क्षेत्र में। क्लियर है? हालांकि पठारी क्षेत्र हम अभी भी पढ़ेंगे इसमें, लेकिन हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत के पठार या दक्षिण भारत का पर्वत, ये हमारा टॉपिक है, लेकिन पठार को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि अगर हारने से डर लगता है तो जीत की इच्छा कभी मत रखना। अगर आप लोगों को असफल होने से डर लगता है कि अरे यार मैं असफल हो जाऊंगा, फलाना क्या कहेगा, फलानी क्या कहेगी, है ना, अगर आपको इस चीज से डर लगता है तो कभी आप अपने मन में लाइएगा ही मत कि हमें जीत मिल पाएगी। वो किस लिए? क्योंकि तुम्हें हमेशा जो है फेल का डर होता रहेगा, और जिन बच्चों को फेल का डर होता है वो या तो इस चीज को बहुत दूर से जाते हैं पीछे एकदम, या तो कभी जिंदगी में कर ही नहीं पाते, है ना। चुनौती दीजिए असफलता को, चुनौती दीजिए कि अगली बार ना आने पाए। चलिए, हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है पश्चिमी घाट। दक्षिण भारत के पर्वत में हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि पश्चिमी घाट आखिरकार है क्या। ठीक है, देखिए ये हमारे भारत का मैप है, ये हमारे भारत का दक्षिण भारत का मैप है, और देखिए मैप को देखने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां पर भी मैप में हरियाली दिखे समझ जाइएगा वो मैदानी क्षेत्र है, जहां पर भी आपको भूरा भूरा दृश्य दिखाई दे वो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, और जहां पर आपको पीला पीला दिखाई दे वो हमारा पठारी क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र है। तो अभी इस चीज को आप ध्यान से अध्ययन कीजिए, इस पूरे में जहां जहां हरा है वो कौन सा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है, और जहां पर भूरा भूरा है वो क्या है? पर्वतीय क्षेत्र, और जहां पर पीला पीला है ये क्या है? हमारा पठारी क्षेत्र। ये वही पठार है जो ज्वालामुखी के लगातार उद्गार से हुआ है, लगातार उद्गार फिर वापस जीवन आया, लगातार उद्गार फिर वापस जीवन आया, ये हमने बताया। और आप देखिए मैप पे देखिए जो हमारा ये दक्षिण का पठार है ये किस आकार का है? त्रिभुजाकार का। ये क्या है आकार का? त्रिभुजाकार का। और क्योंकि हमारा भारत, ध्यान देना, हमारा जो भारत है वो तिब्बत से टकराया था, तो तिब्बत से टकराने की वजह से अग्रभाग क्या हो गया? धरसा। और पृष्ठ भाग क्या हो गया? उठ गया। तो ये वाला भाग क्या हो गया? उठ गया। और इधर वाला भाग क्या हो गया? धस गया। नतीजा अत्यधिक नदियां जो पठारी क्षेत्र से भी निकलती हैं, जैसे कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, ठीक है, कावेरी, ये सब नदियां हमारी कहां जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पश्चिमी घाट। देखिए आपको एक चीज बता दें, हमारा भारत तिब्बत से टकराने से पहले ये जो गुजरात का एक नजारा देख रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं था, ये पहले समुद्र यहां से नहीं था, ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री से भी दूर पहले ऐसे बाउंड्री हुआ करती थी। यहां तक ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं हमारे भारत की पश्चिमी घाट की, ये बाउंड्री और इधर हुआ करती थी, जहां से ये रेड पेन चला है मेरा, ये यहां से हुआ करती थी। लेकिन आज बाउंड्री यहां से, मतलब इतना जो हिस्सा है वो क्या हो गया? इतना हिस्सा क्या हो गया? कट गया, है ना। तो देखिए आपको बताएं, जब हमारा भारत आगे तिब्बत से टकराया और ये भाग जब उठा तो यहां पर पड़ गई क्या? दरार। यहां पर पड़ गई क्या? दरार ऐसे। और दरार पड़ गई तो ये हिस्सा देखो उठ गया ना। आप एक पेड़क को अगर ऐसे पकड़ के नीचे से बल लगाएंगे तो दरार कहां पड़ेगी? ऊपर। अच्छा, ऊपर का भाग उठेगा भी ना। सेम कंसेप्ट इसमें आता है भाई, भू विवर्तन की हलचलों की वजह से और आगे टकराने की वजह से ये हिस्से में दरार पड़ी, और ये हिस्से में दरार पड़ी तो ये हिस्सा ऐसे उठ गया,
और यहां पे दरार पड़ गई, दरार का मतलब होता है भ्रंश, दरार का मतलब क्या होता है भ्रंश। तो जो हिस्सा टूटा वह अरब सागर में विलीन हो गया, जो हिस्सा टूटा वह अरब सागर में विलीन हो गया और हमारे भारत का ये हिस्सा ऊंचाई में चला गया और इधर का हिस्सा हल्का सा धस गया। नतीजा नदियों की जो ढाल है वो किस तरफ हो गई, बंगाल की खाड़ी, इसमें हो गई बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और देखिए इस इलाके का ऊंचा होने का एक और कारण है कि जो लगातार ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है वो कहां से हुआ है, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से लगातार ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। और ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो भैया लावा जहां तक ढाल मिली वहां तक फैलता गया और इसी जगह से बार बार उद्गार हुआ। भैया जहां से बार बार उद्गार होगा लावा का तो वो जगह तो ऊंची होती जाएगी, है ना। और लावा का फैलाव जहां तक होगा, जहां तक वो कंटिन्यूस जुड़ेगा सूखने के बाद, उतनी ही लंबी लंबाई में चट्टान भी बनेगी। तो मतलब हमारा पश्चिमी घाट कुछ नहीं, एक बहुत बड़ी चट्टान है जो महाराष्ट्र गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक गई है ना। और हमारा पश्चिमी घाट और कुछ नहीं, हमारे पश्चिमी बाउंड्री के समानांतर तमिलनाडु तक चलता रहता है। तो इतनी बड़ी चट्टान बनी भाई साहब, इतनी बड़ी चट्टान, देखिए इतनी बड़ी चट्टान बनी और एक ही चट्टान बनी, क्लियर है, आए समझ में। कई चट्टाने बनी, एक के बाद कई चट्टाने बनी, ठीक है। और क्योंकि ढाल तो इधर हो ही गया था तो यहां से लावा का उद्गार होता तो लावा कहां तक जाता, जहां तक ढाल होती वहां फैलता, ठीक है। अब यहां से लावा निकल रहा है, यहां तक जा रहा है, जितना आगे जाएगा परत कम होती जाएगी, अब परत कम होती जाएगी तो परत मोटी देखने को कहां मिलेगी हमें, जहां से लावा निकल रहा है मतलब पश्चिमी घाट। और जहां पर लावा नहीं निकल रहा वहां पर जा रहा है, वहां पर पतली परत देखने को मिली। यही कारण है कि अगर हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की तुलना करें तो ऊंचे पर्वत देखने को कहां मिलेंगे, पश्चिमी घाट, और उनसे छोटे पर्वत देखने को कहां मिलेंगे, पूर्वी घाट, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या हुआ कि जब यहां पर हमारे पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ तो इस प्रकार से कुछ चट्टाने बनी और उस तरफ से लावा का जो लावा जो गतिमान हुआ तो लावा की परत पतली होती चली गई और वो पूरे हमारे पश्चिमी पूर्वी घाट को नहीं कवर कर पाई। नतीजा जहां तक नहीं कवर कर पाई वहां पे मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ, क्योंकि नदियां तो बही रही हैं, है ना। और मैदानी क्षेत्र में नदियों की ढाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नतीजा इस क्रिया के कारण हमारा जो पश्चिमी पूर्वी घाट है उसका मैदानी क्षेत्र, और जरा इधर देखो पूर्वी घाट इसका मैदानी क्षेत्र चौड़ा कौन सा है, पूर्वी, देखो ना मैदानी क्षेत्र, मैंने क्या बताया था जो हरा हरा दिखे वो क्या है, मैदानी क्षेत्र। हमारे दो घाट है भारत के, एक पश्चिमी और एक पूर्वी, बताइए जो पश्चिमी है और पूर्वी घाट है चौड़ाई किसकी ज्यादा है, पूर्वी घाट की ना। ये देखो ना यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे इतना चौड़ा है, मैदानी क्षेत्र मिल रहा है, नदियों की ढाल मंद हो जाती है, अवसाद इकट्ठा ज्यादा करती है, डेल्टा का निर्माण होता है ना। आप जरा देखिए यहाँ पे कितना सकरा है, देखिए ये पूरी यहाँ से बाउंड्री बनी है, ये देखो, अब मात्र इतना हरा हरा एरिया जो है क्या है, मैदानी क्षेत्र है। तो आप बताइए आप लोग पश्चिमी घाट सकरा है कि पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट ना। यहाँ पर इतने मैदानी क्षेत्र से तो ऊंचे ऊंचे पर्वत हो गए, बहुत ऊंचे पर्वत। अब आप यू मानिए, ऐसे मानिए देखिए कि भाई ये जो पर्वत है ना ये बहुत बड़ी दीवार है, अब उसके पार क्या है हमें नहीं पता, ये बहुत बड़ी दीवार है और जिसको केवल और केवल दर्रे से ही पास पार किया जा सकता है, थाल घाट दर्रा, बोर घाट दर्रा और पार, ठीक है, आए समझ में। अब आप यू समझ सकते हो कि ये चट्टान है जो यहां से ऊंची है और उधर को ढाल है, इमेजिन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे होंगे, अभी एक आगे एक बार फोटो दिखाएंगे उसमें समझ में आएगा, ठीक है, चलिए देख इस फोटो में आपको बिल्कुल समझ गया। देखिए ये हमारे भारत का स्वरूप है, ये हमारे भारत का स्वरूप है, इसमें आप उत्तर भी देखिए, मध्य भारत भी देखिए, दक्षिण भारत भी देखिए, पठारी भारत भी देखिए, समुद्रों को भी देखिए। याद है आपको स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था कि हमारा भारत किससे टकराया था भाई, लॉरेंस टकराया था, तो टकराने के बाद हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था, है ना। और तिब्बत का पठार बना था ग्रेनाइटिक चट्टान का, किसका, ग्रेनाइटिक चट्टान का, जो बहुत ज्यादा क्या है, मजबूत है, है ना। आप ही बताओ यार, आप जो है बढ़िया अच्छी चट्टान में सर दे मारोगे तो सर का क्या होगा, ठीक है,
आपको बता दे भूगोल पूरा उसी दिन क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। इसमें इंक भी डालना, ठीक है, ये चीज हुआ। अब आप देखिए, हमने आपको बताया था कि भाई हम एक गड्ढे में रहते हैं, हम एक गड्ढे में रहते हैं, उत्तर का मैदानी क्षेत्र एक गर्त है, गड्ढा है। आप जरा देखिए भारत की तुलना कीजिए, ये बताइए ये हमारा क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उस पार कौन सा देश भाई, जरा बताइए तिब्बत। और जरा देखिए ये देखिए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतमाला पर्वत श्रृंखला, हरिश्चंद्र, और यही तो मैदानी क्षेत्र है, यही तो मैदानी क्षेत्र है जहां पे हम रहते हैं, मैदानी क्षेत्र। अब देखिए मैदानी क्षेत्र के उत्तर में, मैदानी क्षेत्र के उत्तर में ऊंचाई वाला क्षेत्र, अब मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में फिर से ऊंचाई वाला क्षेत्र, है ना। तो ये बताइए इधर भी ऊंचाई वाला क्षेत्र, उधर भी ऊंचाई वाला क्षेत्र, तो ये गड्ढा ना हो गया, है ना। तो यानी हमारे उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र क्या है, एक गर्त है, एक क्या है, गड्ढा है, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र सिंधु और गंगा नदी के द्वारा बनाया गया है। क्लियर है, आए समझ में। अब जरा देखिए हमारा जो दक्षिण का पठारी भाग है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए ये जो उभरा उभरा हुआ दिख रहा है ये सब क्या है, पहाड़ पर्वत पठार है, पहाड़ पर्वत पठार है। ये देखिए ये हमारा कौन सा सागर भाई, अरब सागर, वो उधर बंगाल की खाड़ी, और ये हमारा त्रिकोणीय आकार का दक्षिण का पठार। अब जरा मुझे बताइए, देखिए अब जरा मुझे बताइए कि आपको समतल, समतल जगह इस मैप में किस तरफ देखने को मिल रही है, समतल इस तरफ देखने को मिल रही है ना, और थोड़ा सा उठा हुआ भाग किधर देखने को मिल रहा है, इस साइड। यानी हमारा पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचा है, हमारा पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में क्या है, ऊंचा है। अब बताइए अगर ऊंचा ना होता तो क्या नदियां वहां जाती, नहीं, अगर ढलान कम होती तो नदियां इधर आती ना, आती कि नहीं आती, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा एक और चीज देखिए, ये जो हमारे इस लाइन से नीचे देखिए, इस लाइन से नीचे देखिए, जहां पर एकदम ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो घने घने हरे भरे जंगल है, घने जंगल है। आप बताइए हमें हमारे कौन से घाट में अत्यधिक हरे भरे वन दिख रहे हैं, बताइए कौन से। ये हमारा पूर्वी घाट है और ये हमारा पश्चिमी घाट है, कौन से क्षेत्र में हरे भरे, पूर्वी घाट में, ये बताइए। ये देखो यहाँ तो जगह है, ये मैदानी क्षेत्र, ये मैदानी क्षेत्र, ये मैदानी क्षेत्र, इतना दुखा करके यहाँ पे जंगल मिल रहे हैं। आप ये बताइए लगातार महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु तक जंगल कहाँ मिल रहा है, पश्चिमी घाट में ना। यानी भारत में सबसे ज्यादा सदाबहार हरे भरे वन कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में। अब अगर सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं तो मतलब यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, अब बारिश ज्यादा होती है तो यहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा फलेंगे फूलेंगे, और जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा रहेंगे वहां पर जैव विविधता भी ज्यादा रहेगी। बार बार पूछा जाने वाला एक प्रश्न कि भारत में जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ है, पश्चिमी घाट, कहाँ पे, पश्चिमी घाट। बार बार ये प्रश्न आता है कि भारत में जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब क्या होता है बताइए, जैव विविधता का मतलब क्या होता है, जैव विविधता या जैव मतलब बायोलॉजिकल विविधता, मतलब अलग अलग प्रकार के प्राणी, है ना, मतलब कई प्रकार के प्राणी जहां एक ही जगह पे रह रहे हैं, कई प्रकार के पौधे, कई प्रकार के कीड़े मकोड़े, कई प्रकार के जीव जंतु, कई प्रकार के जंगल, कहां, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट हमारा ज्यादा हरा भरा, सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं यहाँ पर, कहां पे, पश्चिमी घाट। चलिए इसका कारण क्या है, सदाबहार हरे भरे वन हमें कहां देखने को मिलते हैं, अरे भैया जहां पर 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, क्या है, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो अब आप लोग अंदाजा लगाइए कि भाई हमारे पश्चिमी घाट में कितनी वर्षा होती है, 150 से लगभग 200 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत यहां पे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत। अच्छा अब आप लोगों को यह भी समझ में आना चाहिए कि यहां पे क्यों वर्षा होती है, ऐसा क्या है यहाँ पे, ये उत्तर में, ये मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में इतनी वर्षा क्यों नहीं होती, कितनी यहाँ होती है। तो आपको बता दें, क्या बोल रही हो, पर्वतीय क्षेत्र तो बारिश होगी, है ना, ये देवगन घाटी बारिश देखी हो, ये तो पर्वतीय क्षेत्र है, उतना बड़ा पर्वत नहीं है, ये तो हमारे शब्द है। देखिए एक चीज बता दें, इसका कारण ये रहिए कि पर्वतीय क्षेत्र में बारिश होती है, ठीक है। देखिए ये हमारा यहाँ पे पॉइंट कौन सा, कन्याकुमारी,
कन्याकुमारी से और नीचे जाएंगे तो हमें 0 डिग्री पर कौन सी रेखा मिलेगी? भूमध्य रेखा। क्या मिलेगी? भूमध्य रेखा, है ना। अब भूमध्य रेखा में सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, नतीजा पानी का वाष्पीकरण ज्यादा होता है, तो ज्यादा बादल बनते हैं, ज्यादा संग्रहण होता है, और ज्यादा संग्रहण होता है तो ज्यादा वर्षा भी होगी। आपको बहुत पहले मैंने पढ़ाया था कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कैसे वन पाए जाते हैं, सदाबहार हरे भरे वन। तो देखिए हमारा जो ये वाला क्षेत्र है ना, तमिलनाडु, ये केरला, ये हमारा कौन सा क्षेत्र है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र। क्या है हमारा? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, मतलब भूमध्य रेखा के पास है। तो यहाँ पर गर्मी भी ज्यादा पड़ती है और प्लस वर्षा भी होती है, और अत्यधिक वर्षा होने की वजह से यहाँ पर जैव विविधता भी ज्यादा है। पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि भैया पश्चिमी घाट में कितनी वर्षा होती है, तो सीधे बताना 150 से कितना? 200 सेंटीमीटर। 150 से कितना? 200 सेंटीमीटर वर्षा। अच्छा, अगर पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो भैया आप सीधे आओ, सीधे आप देखो, देखो यहाँ पर कितने घने वन है, देखो देखो कितनी घनी हरियाली दिख रही है, कितने घने वन है, ठीक है। यहाँ पर भाई साहब क्या है? मेघालय। और मेघालय में एक जगह है चेरापूंजी, चेरापूंजी मौसिनराम। क्या है? मौसिनराम। कितनी वर्षा होती है? 1000 सेंटीमीटर। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के चेरापूंजी मौसिनराम। लगभग कितना? 1000 सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर वर्षा पता है क्या बहुत होती है? यहाँ हो जाए ना एक घंटे डूब जाएगा सब, बाढ़ आ जाए, ठीक है। पर हम अपना संकल्प नहीं छोड़ेंगे, हम डूबे डूबे पड़ेंगे, ठीक है। चलिए चलिए एक एक करके अब थोड़ा सा पश्चिमी घाट को एक एक करके थोड़ा सा पश्चिमी घाट पे नजर डालते हैं और पढ़ते हैं। ये पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा, सिर्फ कंठस्थ होके आपको पढ़ना है और ध्यान देना है, ठीक है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में पर्वत जो है, पश्चिमी घाट में जितने पर्वत है उन्हें और क्या कहा जाता है? सह्याद्री। क्या बोला जाता है? सह्याद्री। अब ये क्वेश्चन ना आपका सरदर्द बन जाएगा, कई बार पूछा गया है कि दक्षिण भारत के पर्वतों को क्या कहा जाता है? सह्याद्री। या पश्चिमी घाट को और क्या बोला जाता है? ठीक है, ध्यान देना। पश्चिमी घाट को स्पेशल नाम दिया गया है सह्याद्री, जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है। और वनस्पतियां, देखो क्या बोल रहा है, वनस्पतियां और जीव के अपने समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए जाना जाता है हमारा पश्चिमी घाट में। इतने ज्यादा पेड़ पौधे हैं, इतने ज्यादा पेड़ पौधे हैं कि पूरे भारत में इससे ज्यादा वन कहीं नहीं है। कौन से वाले वन? सदाबहार हरे भरे वन। अच्छा, वैसे वन की बात की जाए, वन की बात की जाए तो भैया सबसे ज्यादा वन तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर वन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। पर वो पर्णपाती वन है, सदाबहार हरे भरे वन नहीं है। वो टेम्परेचर ज्यादा होने पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, पतझड़ वाले वन है वो, है ना। लेकिन ये कैसे वन है? सदाबहार हरे भरे वन। इस श्रेणी को उत्तरी महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है और केरल में सह्या कहा जाता है। इस श्रेणी को उत्तरी महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है? सह्याद्री, यानी उत्तरी क्षेत्र में। और केरल के आसपास क्या कहा जाता है? सह्या। क्लियर है? आए समझे, ये भी एग्जाम में आ सकता है, छोटी छोटी चीजें हैं आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच के संकीर्ण तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट। अब देखिए यहाँ पे तट की बात हो रही है, तट की बात हो रही है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं। देखिए ये हमारा क्या है? अरब सागर। और वो उधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये खंभात की खाड़ी से लेके गोवा तक, खंभात की खाड़ी से लेके गोवा तक कौन सा तट भाई? कोंकण, कोंकण तट। ध्यान देना, एग्जाम में पूछता है, आजकल यही ट्रेंड है पूछने का। खंभात की खाड़ी से यहाँ गोवा तक कोंकण तट बोलते हैं, अरब सागर में ही आता है। और ये गोवा से लेके ये तमिलनाडु तक, ये होता है भैया क्या? मालाबार तट। क्या है? मालाबार तट। अब भैया तट तो इस प्रकार ही बन रहे ना, आओ इस तरफ, है ना, आंध्र प्रदेश, ये यहाँ तक, आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक कौन सा? कोरोमंडल। क्या बोलते हैं भाई? कोरोमंडल तट। और फिर उड़ीसा का जो तट बोलते हैं इसको उत्कल तट, या फिर उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट, ठीक है। तो हमारे भारत के कुल कितने तट हो गए? 4 तट।
खंभात की खाड़ी से गोवा तक, कोंकण तक और गोवा से लेकर तमिलनाडु और मालाबार तक और उसके बाद कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश, ठीक है। सीधे एग्जाम में पूछता है कि आंध्र प्रदेश किस तट के किनारे है, कोंकण कोरोमंडल तट और फिर ओडिशा क्या है, उत्कल। क्लियर है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जरा याद कीजिए, इस श्रेणी के उत्तरी मार्ग ये हमारा हो गया, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में तटीय मैदान को क्या बोलते हैं, कोंकण तट। मध्य भाग को कनारा और दक्षिणी भाग को मालाबार, मध्य भाग को कनारा और दक्षिणी भाग को मालाबार, यानी केरला, केरला और कर्नाटका, केरला और कर्नाटका वाला जो हिस्सा अरब सागर से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं क्या, मालाबार, ठीक है। आए समझ में, आगे लिखिए, महाराष्ट्र में घाटों के पूर्व में तलहटी क्षेत्र को देश कहते हैं, तलहटी क्षेत्र। तलहटी क्या होता है, तल, किसका तल, कोई ऊंची सी जो जगह है उसका तल, तलहटी है ना। आप अगर महाराष्ट्र से उड़ीसा की तरफ जाओगे तो धीरे धीरे जो पश्चिमी जो दक्षिण का पठार है उसकी ऊंचाई क्या हो जाती है, कम होती जाएगी, नतीजा तलहटी मिलेगी। और तलहटी मिलेगी तो वहीं से फिर मैदानी क्षेत्र भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और उस तलहटी क्षेत्र को बोलते हैं क्या, देश। आगे, जबकि मध्य कर्नाटका राज्य की पूर्वी तलहटी को मलनाडु के रूप में जाना जाता है, क्या, मलनाडु, ठीक है। मध्य प्रदेश कर्नाटक में जो दक्षिण का पठार है हमारा उसको क्या बोलते हैं, मलनाडु, ठीक है। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम देवांगना घाटी बोलते हैं, पंपासुर बोलते हैं, हो सकता है कि मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है तो मध्य प्रदेश में कुछ और बोलते हैं इसको, है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, दक्षिण दक्षिण या तमिलनाडु में इस श्रेणी को नीलगिरी मलाई, नीलगिरी मलाई के नाम से जाना जाता है। इसी श्रेणी का विस्तार, ध्यान देना, इसी श्रेणी का विस्तार जो कहां तक गया है, तमिलनाडु तक और केरला तक, तो इसी श्रेणी को बोला गया है क्या, नीलगिरी। और नीलगिरी तो आपको याद रखना है इसलिए क्योंकि हमारा हमारा पश्चिमी घाट, हमारा पूर्वी घाट कहां पे आके मिलता है, नीलगिरी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सरदर्द है भैया, कई बार रिपीटेडली पूछा गया है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहां पे आके मिलते हैं, नीलगिरी। और तमिलनाडु और केरला का संयुक्त क्षेत्र, तमिलनाडु और केरला का संयुक्त क्षेत्र, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पे, चलो पढ़ते हैं। दक्षिण या तमिलनाडु में इस श्रेणी को नीलगिरी के मलाई के नाम से जाना जाता है, इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। कैसे भैया, विश्व धरोहर, यहाँ के पर्वत ऐसे हैं कि यहाँ पर उत्तम क्वालिटी का मसाला होता है और आज भी हो रहा है, आज भी हमारा देश मसाला का निर्यात करता है, दूसरे देश में भेजता है मसाला, और ये मसाला इतना स्वादिष्ट हो गया कि हम कम से कम 350 साल गुलाम हो गए, 350 साल क्या हो गए, गुलाम हो गए, है ना भाई। पुर्तगाली का वास्को डी गामा आया वहां पे क्वेश्चन में, बोला जो से जो मेरी चमोली से मसाला है, ठीक है, तो बोला हाँ है, आ जाओ और ले जाओ। आज अगर आप बोलोगे, देखिए मसाला की परिभाषा चेंज हो गई है ना, मसाला की परिभाषा थोड़ा चेंज हो गई, उस समय बोले मसाला है, हाँ मसाला है, तो मसाले का मतलब काली मिर्च, लौंग, इलायची। आज अगर बोलते मसाला है तो क्या, रजनीगंधा, विमल है ना, राजश्री, वाह श्री है ना, ये सब गुटका होता है, पहले श्री मिलती, ठीक है। चलिए, यह अपने, देखिए ध्यान दीजिएगा, यह अपने उच्च स्तर की क्या, जैव विविधता और स्थानिकता के कारण दुनिया में जैव विविधता के 8 हॉटस्पॉट है हमारे, कहां पर, पश्चिमी घाट में, 8 हो या 10 हो हमें उससे मतलब नहीं, मतलब यह है कि यहां पर सर्वाधिक क्या है, जैव विविधता, इतने हम इतनी जैव विविधता हमारे भारत के किसी जंगलों में नहीं पाई जाती, क्लियर है। तो जैव विविधता के मामले में आपका एक ही उत्तर रहेगा, वो है पश्चिमी घाट, क्लियर है। अच्छा, जैव विविधता का कारण क्या है, जैव विविधता का कारण क्या है, जैव विविधता का कारण है भैया, एक तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होना और दूसरा 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होना, क्लियर है।
इतना ज्यादा जैव विविधता इसमें हो गया कि भैया यही पश्चिमी घाट हमें गुलाम बनवा दिया, इतना धन हमारे पास हो गया। भाई तुम्हारे पास भी अगर धन ज्यादा हो जाएगा है ना, तो कोई ना कोई तो नजर रखेगा ही, क्या पता जो है रास्ते में कोई लूट ले जाए, है ना। तो ज्यादा धन संचय करना भी दुख का कारण बन सकता है, महात्मा बुद्ध ने कहा था, है ना। देखिए कुछ इस प्रकार का दृश्य दिखता है, कहां पर? पश्चिमी घाट में कुछ इस प्रकार का दृश्य देखिए, वहां पर इस तरह के बादल 2400 घंटे मंडराते रहते हैं और ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि पर्वतों में ही आपको बादल देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर भाई हमारे अलॉर्ड अवस्थी बैठे हैं और यहीं पर आपको जो है यहीं पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, बादल देखने को मिल जाएंगे। और आपको यहाँ पे आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी क्योंकि ऊंचाई में तापमान घटता है और इतने सारे पेड़ पौधे, आप लोगों ने खुद ये महसूस किया होगा, गांव के क्षेत्र में खेतों की गलियों से निकल जाओ तो ठंडी लगती है, अभी राजा या करबी की रोड में फिर देखो लगेगी ना गर्मी। देखो कुछ इस प्रकार का दृश्य होता है हमारा पश्चिमी घाट का। और देखो यही है वो परतदार लावा की चट्टाने, यही है परतदार लावा चट्टाने, बेसाल्टिक लावा का है, इसका बेसाल्टिक लावा इतना ज्यादा मजबूत है कि अगर मान लो आपके पास भवन बनाने के पैसे नहीं, सुनो ध्यान से, आपके पास भवन बनाने के पैसे नहीं है, आपके पास पैसा ही नहीं है, है ना, तो कुछ भी करके 150-200 रुपए जमा कर दो, ठीक है, 150 की हथौड़ी आएगी, 70 रुपए की छेना है, वो छेनी है ना, तो जाके यहाँ पर खुदाई करो, जब तक करो जब तक एक भवन ना बच जाए अंदर, और फिर रहो आराम से, है ना, फ्री में तुम्हें मिल जाएगा घर। चलिए और पढ़ते इसके बारे में, पश्चिमी घाट का भूविज्ञान, भूविज्ञान का मतलब इसकी भू आकृति किस प्रकार की है, चलो देखते हैं। पश्चिमी घाट के भूविज्ञान के संबंध में दो मत है कि पश्चिमी घाट के पहाड़ क्या है, ब्लॉक पर्वत। अच्छा ब्लॉक का मतलब क्या, भ्रंशित पर्वत, बिल्कुल भ्रंशित पर्वत है ना, कुछ भाग तो भ्रंशित है ही, अब कुछ भाग तो लावा से बना है, अब कुछ भाग तो भ्रंशित है ही। अब आप जरा मुझे बताएं आगे हमारे भारत की प्लेट टकराई थी तो पश्चिमी घाट टूटा, नतीजा उसमें एक दरार पड़ी, और जो दरार पड़ के टूटा, जो हिस्सा टूटा वो हमारा अरब सागर में विलीन हो गया, और जो भाग उठा वही पश्चिमी घाट है। तो क्या ये ब्लॉक पर्वत नहीं है, क्या ये भ्रंशित पर्वत नहीं है, है ना, भ्रंश पड़ा है एक अरब सागर में, पश्चिमी घाट के पहाड़ ब्लॉक पर्वत है जो अरब सागर में भूमि के एक हिस्से के नीचे की ओर मुड़ने के कारण बना, बिल्कुल सही बात है। अरे यार आगे कोई चीज टकराएगी तो अग्रभाग उठेगा, पृष्ठभाग अग्रभाग धसेगा पृष्ठभाग उठेगा, अब पृष्ठभाग देखो पेड़ा बताया ना, काटो नीचे से उसको तो ऊपर दरार पड़ेगी, भ्रंश है ना, और एक खा जाओ एक वहीं रखो, ठीक है, तो बन गए क्या ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत को भ्रंशित पर्वत बोलते हैं, याद रखना। ये रहे विंध्याचल पर्वत भी कैसे पर्वत है, भ्रंशित पर्वत है ना। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानों में बेसाल्टिक चट्टान की बनी हुई है, ठीक है, चार्नोकाइट्स, ग्रेनाइट, नीस और कॉन्डोलाइट, लेप्टाइनाइट और मेटामॉर्फिक नीस। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है रूपांतरित चट्टान है। अब रूपांतरित चट्टान तो बिल्कुल पाएंगे भैया, ये बताइए एक के बाद लावा का उद्गार हुआ है ना, तो सबसे नीचे वाली चट्टान में ऊपर वाली चट्टानों का भार पड़ा तो सबसे नीचे वाली चट्टान ने अपना रूपांतरण किया, है ना। आप लोगों को प्रेशर देंगे और इतना ज्यादा प्रेशर देंगे तो आप पढ़ोगे, ठीक है, अब पढ़ोगे तो एग्जाम निकाल लोगे, है ना। आज खाली जो है अपने एक नाम लिए बैठे हो, अगली बार आओगे तो कांस्टेबल या हवलदार या लांस नायक या कैप्टन या लेफ्टिनेंट लेके आओगे, तो रूपांतरण हुआ ना, है ना, रूपांतरण हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ये जो प्रेशर होता है इसको अगर झेल लिए तो भाई साहब मजबूत बन जाओगे। ग्रेनाइटिक नेस ये ऐसी चट्टान होती है, ये बड़ा भयंकर प्रेशर झेली हुई होती है तब जाके इतनी मजबूत होती है, और तब जाके इसका आप पटिया बना के ऊपर टांग देते हो, छत बना लेते हो बिना लेंटर के, है ना, और कई सालों तक चलती है वो लेंटर वाली छत। याद है ना पहले लेंटर नहीं पड़ता था, पहले क्या पड़ता था, पटिया डालते थे ना, और छत बन जाती थी और डबल मंजिला घर बन जाए, इतना मजबूत होता था, वो यही कारण है। चलिए आगे देखिए, जिनमें क्रिस्टलीय चूना पत्थर,
और लोहा, लोहा अयस्क, डॉलोराइट और एनोरोसाइट शामिल है। इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आप इस दृश्य में परत आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये पौधा हमारी दाई ने बताया था, अब भूल गया। मेरी दाई पश्चिमी घाट कभी नहीं गई। देखिए, आप इस पर्वत में, पर्वत श्रृंखला में, और ये पश्चिमी घाट की एक पर्वत है, आप पठार क्षेत्र भी बोल सकते हो, इसमें परत आप आराम से देख सकते हैं, है ना, परत देखने को मिल रही है। यानी पश्चिमी घाट में कौन से पर्वत पाए जाते हैं? परतदार पर्वत, है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऊपर परत बनती गई। कैसे? लावा का उद्गार बार बार होता गया, है ना। अब देखो, ये इतनी सड़ चुकी है कि प्रेशर बहुत ज्यादा झेल रहे हैं। नतीजा देखिए, यहाँ की चट्टान मजबूत होगी कि यहाँ की, नीचे की ना, बहुत ज्यादा प्रेशर झेला, बहुत ही ज्यादा, है ना। तो नीचे की चट्टान क्या है, इतना मजबूत होगी, इतना मजबूत कि कई कई तो हथौड़े भी फेल हो जाएंगे, है ना। ऑल इज प्रेशर और तापमान, क्लियर है। प्रेशर झेलना सीखिए, प्रेशर अगर नहीं झेलोगे, ठीक है, तो कुछ नहीं कर पाओगे, आपको बता दें, क्लियर है। छात्र की प्रकृति, हम कितना भी तुम्हें सुना ले, चुपचाप सुनिए, ये ना बोलिए अच्छा सुनाया, आ जा चौराहे में, बताता हूँ मुझे, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको पैसे झेलना नहीं होते, ठीक है। अब आप देखिए, कोई भी टीचर अगर बच्चों को चिल्लाता है तो वो इंटेंशनली नहीं होता है, ठीक है। तुमने हमारा कुछ उखाड़ा नहीं है तुमने, कि हमारे जमीन जायदाद तुमने ले लिया, ठीक है, या तुमने परेशान कर लिया, ये एक मोमेंट वाली बात होती है ना। और हर टीचर को ये लगता है कि उसका छात्र पढ़े, उसका सिलेक्शन हो, क्योंकि सिलेक्शन जब आपका होता है तो आपका नहीं होता है, हमारा होता है, क्लियर है, बताइए। क्योंकि जो पढ़ाया आपने, पढ़ा वही करके यार सिलेक्शन हुआ, तो आपका सिलेक्शन हुआ, आपके साथ साथ टीचरों का भी सिलेक्शन होता है, होता है कि नहीं होता है। इसलिए टीचर आपके पीछे लगा रहता है, पढ़ो, किताबें खरीदो, ये करो, वो करो, ऐसे करो। और ये चीज अगर आपने झेल लिया तो आप बता दें, इस जीवन में आगे बहुत बढ़िया समय आएगा। ये रहे, यहाँ पे समय की समाप्ति है, नेक्स्ट लेक्चर का समय है, फिर आते हैं, फिर पढ़ाते हैं।